सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल D60 गेमिंग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका प्यारा होस्ट एंड दोस्त असलूब खान 04 फ्रॉम D60 गेमिंग। सो गाइज, आ चुके हैं ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो के साथ वापस। तो जी हाँ गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि भाई ओल्ड अलाइट पास, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मुझे मेल बॉक्स के अंदर क्यों मिले, किस वजह से मिले, और आप लोगों को मिलेंगे क्यों, मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे, सब कुछ आपके क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। तो आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं एक एक करके अपने ओल्ड अलाइट पासिस के बंडल जो मुझे जो है एक एक महीने बाद आए थे तो सारे क्लेम कर लिए। तो कुछ ओल्ड क्लिप्स भी हैं इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, तो भाई फेक नहीं बोलना, अकाउंट दे सकते हो D60 गेमर YT का, और अभी इसके ऊपर सारा कुछ आपको सीन बताने जा रहे हैं। तो भाई सब देख सकते हो, पहले दो सीजन के जो है अलाइट पास के बंडल क्लेम कर लिए हैं और हमारा सीजन 3 का बंडल भी आ चुका है, तो सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक सेकंड के लिए भी भाई स्किप नहीं करना, फिर नहीं कहना कि भाई साहब हमें पता नहीं लगा। और यार इस वीडियो के ऊपर लाइक हम रखते हैं हम लोग 200 लाइक। तो जी हाँ गाइस, यार 200 लाइक हम रखते हैं, देखते हैं कि भाई क्या पब्लिक 200 लाइक पूरे करवाती है, क्या पब्लिक ओल्ड बंडल्स के लिए 200 लाइक करती है या नहीं करती। तो देखते हैं कि भाई हमारी पब्लिक हमारे जो है ओल्ड जो बंडल्स हैं उनको देख कर लाइक करती है तो नहीं करती। भाई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, तो भाई देख लेते हो भाई हमारा सीजन 5 का बंडल भी जो है हमने उसको भी क्लेम कर लिया, और सारे बंडल्स मेरे मेल बॉक्स में आए थे आप लोग देख सकते हो। तो यार ये ग्रीना की तरफ से मुझे सारे बंडल्स ओल्ड अलाइट पास के बंडल जो हैं मिलते हैं, तो भाई सब देख सकते हो यार इसको भी हम लोग जो ओपन करते हैं, और क्या ही ओपी बंडल है। तो यार आप लोगों के जो बहुत से क्वेश्चन इसके रिलेटेड होंगे तो सबका जवाब इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो भाई वीडियो को स्किप नहीं करना किसी भी पार्ट के ऊपर, तो हो सकता है इसके अंदर आपका फायदा हो। तो यार आप लोगों को एक और प्रूफ के लिए क्लिप दिखा देता हूं कि जो हमारी न्यू M4A1 की जो है स्किन आई थी उसका भी आप लोगों को मैं मेल बॉक्स के अंदर से क्लेम करके दिखा रहा हूं। और देख सकते हो यार सीजन 7 का बंडल, B2K का बंडल भी हमने अपने मेल बॉक्स में से ही क्लेम किया है आपके सामने, कोई किसी किस्म की एडिटिंग नहीं कर रखी। और यार ये देख सकते हो फेडेड व्हील के जो हमें डायमंड, और उसके अलावा भाई साहब ब्लूप्रिंट सारा कुछ आया, तो हर चीज इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो यार अब मेन जो हमारी बात आ जाती है कि यार ये मेल बॉक्स में किस तरह आते हैं, तो भाई मेल बॉक्स में कोई भी चीज जो आती है वो आप लोगों को ऑफिशियल ग्रीना वाले सेंड करते हैं। जी हां गाइस, ग्रीना वाले आप लोगों को ऑफिशियल जो है सेंड करते हैं मेल बॉक्स के अंदर चीज। अब आप लोग सोच रहे होगे ठीक है भाई ग्रीना ने तो सेंड कर दी, तेरे पास कहां से आ गई? तो भाई साहब अब आप लोग ये भी सोच रहे होगे कि यार इसके सब्सक्राइबर भी 40,000 भी नहीं है, तो इसके पास किस तरह आ गई? क्या ये ग्रीना की जो औलाद है, मतलब क्या सीन है? ग्रीना इसकी अपनी है या ग्रीना इसने बाय की हुई है? क्या सीन है? क्या ग्रीना का पार्टनर है या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ इसके मामलात हैं? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं ग्रीना का मालिक हूं, ना ग्रीना ने मुझे खरीद रखा, और ना ही रोनाल्डो मेरा तलकदार वाला है, या कोई भी मेरा कुछ भी नहीं लगता। तो भाई सीन कुछ इस तरह, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से मैं ग्रीना फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ऐड हूं। जी हां गाइस, ग्रीना के जो मैं पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ऐड हूं, और मुझे भाई सब ग्रीना वाले मंथली हर मंथ जो है एक विश देते हैं, मतलब वो मुझे बोलते हैं कि भाई जो भी तुझे चाहिए हर मंथ तू हमसे ले सकता है। तो भाई साहब वो सीन होता है, और मैं हर मंथ जो है ना एक एक ओल्ड अलाइट पास का बंडल ले लेता हूँ। और यार उसके अलावा मतलब सारी चीज़ें जो हमें मेल बॉक्स में आने का मकसद यही होता है कि यार हम लोग इसका अच्छे से रिव्यू करें और आप लोगों को बताएं कि यार ये चीज़ आने वाली है, ये बंडल आने वाला है, और बहुत ही ओपी बंडल होने वाला है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो न्यू इवेंट आ चुका स्कल हंटर बंडल, जो ग्रीना फ्री फायर का मोस्ट रेयर बंडल में से एक बंडल है। पाकिस्तान रीजन के अंदर इसको अवेलेबल करवा दिया गया है, और बहुत ही जल्द इंडिया रीजन के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। काफी खतरनाक बंडल है, मतलब यार इसके लेवल अप होते हैं बंडल के, मतलब जिस तरह आप लोग पता नहीं इसके किल्स करने पे होते हैं कैसे भी, भाई हमको तो ये पहली दफा मिला है बंडल, तो हम लोग तो इसका भाई गेम प्ले करके देखेंगे और फिर ही पता लगेगा, बट ये का बंडल बहुत ओपी है। तो भाई चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। तो जी हाँ भाई ध्यान से सुनो, मैं हूँ जो है ग्रीना फ्री फायर के पाकिस्तान रीजन के पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ऐड, तो यार उसका जो है मुझे वी बैज भी मिला हुआ है, आप लोगों को बहुत से लोगों को पता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो आप लोगों को बता दूं मैं पाकिस्तान रीजन के पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ऐड हूं, और भाई मुझे ग्रीना वाले हर मंथ के अंदर जो है ना एक विश देते हैं जिसमें मैं ओल्ड अलाइट पास का बंडल ले सकता हूं। तो यार ये सीन था इसके पीछे की स्टोरी। तो भाई बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने मेरा जो सीजन 2 क्लेम करने का क्लिप चोरी करके लगा लिया और मुझे बिना क्रेडिट दिया, भाई मुझे बिल्कुल
बिल्कुल भी क्रेडिट ही नहीं दिया उन्होंने, मेरा क्लिप चोरी कर लिया। और भाई मुझे इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा दुख आ रहा है, और भाई शर्म की बात भी है, मतलब इंडिया का भी कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने मेरा क्लिप चोरी किया, यहाँ तक कि मीना सर्वर के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने मेरा क्लिप चोरी किया बट मुझे क्रेडिट नहीं दिया। तो यार इस चीज़ का दुख तो लगता है यार, मतलब क्लिप मेरा था, आप लोगों ने यूज़ कर लिया, आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया। चलो कोई नहीं भाई, आप लोगों की मर्जी थी, आप लोगों ने ये कर लिया, बट यार आप लोग तो मुझे क्रेडिट दे सकते हो। आप लोग किस तरह क्रेडिट दे सकते हो, आप लोग यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ओपी इन्फॉर्मेशन दिया मैंने इस वीडियो के अंदर। तो यार सीन फिर इस तरह होते हैं कि हर महीने के महीने मैं जो भी अलाइट पास का बंडल चाहूँ एक विश मैं ले सकता हूँ करीना वालों से। तो अब आप लोग सोच रहे होगा यार हम क्या करें, हमें भी चाहिए ये सारा कुछ। तो भाई आप लोग भी मेहनत करो, यूट्यूब के ऊपर वर्क करो, यूट्यूब के ऊपर ग्रो करो, और आप लोग भी भाई पाकिस्तान या इंडिया रीजन जहाँ से भी हो अपने अपने रीजन के अंदर ग्रो करो, वीडियोज़ बनाओ, टका के मेहनत करो, और अपने अपने रीजन के पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ऐड हो जाओ। तो यार आप लोग भी ओल्ड बंडल ले सकते हो। यार मैं समझ सकता हूँ हर प्लेयर का ये है एक ड्रीम होता है, मेरा भी एक ड्रीम था कि यार मैं भी ये चीज़ें लूँ, बट मैं तो मुझे पता ही नहीं था कि यार मेरे साथ ज़िंदगी में अच्छा भी होगा। मतलब आप लोग इतनी ज़्यादा सपोर्ट करोगे और मैं आज इस मुकाम पे आके खड़ा हो चुका हूँ आप लोगों की मोहब्बत और प्यार की वजह से। यार थैंक यू, लव यू फॉर सपोर्टिंग। और फाइनली जो हमने जो अपना स्कल हंटर का बंडल भी क्लेम कर लिया है, इसको भी आप लोगों को वॉल्ट में जाकर दिखा देता हूँ। तो यार ये बंडल आप लोग भी लाजमी निकालना, मुझे तो बहुत अच्छा बंडल लगा। तो यार आप लोग भी ये बंडल निकाल सकते हो, काफ़ी भाई डैशिंग बंडल, और लोबी के अंदर तो आप लोगों को भाई काफ़ी मज़े आने वाले हैं इस बंडल को देख के। तो यार आज की वीडियो में आप लोगों के जो थे उनका मैंने कुछ आंसर देना था, तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए। तो यार नेक्स्ट वीडियो अपनी रिडीम कोड की होने वाली है, क्योंकि भाई अगले वीक से पेपर स्टार्ट हैं और हमने पढ़ा बिल्कुल भी नहीं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर यूट्यूब छोड़नी पड़ जाएगी, और आप लोगों को मैं छोड़ नहीं सकता। तो यार अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो, क्योंकि मैं आप लोगों से बात करने का बहुत ही मेरा भी दिल करता है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।